सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो दस पाँचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। यूं तो भारत में बहुत से त्योहार मनाए जाते हैं जिनका किसी न किसी इतिहासी घटना से नाता होता है, लेकिन आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम भारत के सबसे बड़े त्योहार की बात करने वाले हैं, जिसे हम सभी दिवाली या दीपावली के नाम से जानते हैं, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दौरान लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, जिससे उन्हें सुख समृद्धि, धन, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो सके। वहीं इस पर्व के दौरान बड़े स्तर पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। वहीं दिवाली के ठीक बाद गोवर्धन पूजा व भाई दूज भी मनाया जाता है। तो आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। सवाल नंबर एक, दीपावली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? सब त्योहार किसी धार्मिक कथा से संबंध रखते हैं। उन्हीं में से एक त्योहार है दिवाली, जिसकी धार्मिक कथा त्रेता युग में जन्मे श्री राम से जुड़ती है। हम सभी जानते हैं कि नारद जी के श्राप के कारण श्री विष्णु जी का जन्म त्रेता युग में श्री रामचंद्र के रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या से हुआ, जिसका प्रमाण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री शिव महापुराण प्रथम खंड पूर्वार्ध के रुद्र संहिता सृष्टिखंड अध्याय 4 के श्लोक 15 से 17 में भी है, जिसमें नारद जी कहते हैं, हे विष्णु, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है। तुम इसी तरह सबको मोह में डालते रहते हो। यह कपटपूर्ण कार्य करते हुए तुमने जिस स्वरूप से मुझे संयुक्त किया था, उसी स्वरूप से हे हरे तुम मनुष्य हो जाओ, और स्त्री के लिए दूसरों को दुख देने वाले तुम भी स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुंह बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हो। तुम दूसरों को स्त्री विरह का दुख देने वाले हो, अतः स्वयं भी तुम्हें स्त्री के वियोग का दुख प्राप्त हो, और अज्ञान से मोहित मनुष्यों के समान तुम्हारी स्थिति हो। नारद जी के इसी श्रापवश श्री विष्णु जी का श्री राम रूप में जन्म हुआ। जब रामचंद्र युवा हुए तो माता सीता से विवाह हुआ, और फिर विवाह के कुछ दिनों के बाद ही श्री राम और माता सीता को 14 वर्ष का वनवास हुआ। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण किया। उसके बाद कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर सीता को उसकी कैद से छुड़वाकर अयोध्या लौटे थे, जिससे अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया, और श्री राम और माता सीता के आगमन की खुशी मनाई थी। इसी उपलक्ष्य में यह त्योहार हर साल कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस मौके पर लोग इस दिन पटाखे फोड़ते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलता है। कई बच्चों की आंखें खराब हो जाती हैं, कईयों के हाथ खराब हो जाते हैं, कई स्थानों पर आग लग जाती है। ऐसी ऐसी कई दुर्घटनाएं दीपावली के दिन भी देखने को मिलती हैं, जबकि हमें प्रतिदिन दोनों समय शुद्ध देशी घी का दीपक जालना चाहिए, जिससे हवन यज्ञ होता है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 10 है, जिसमें लिखा है कि भिन्न भिन्न स्थानों सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अकह लोक में निवास करने वाला प्रिय परमपिता परमेश्वर सर्व आत्माओं व देव रूप आत्माओं का उत्पत्ति करने वाला है, उससे सर्व सुख प्राप्ति के लिए ज्योति यज्ञ का अनुष्ठान करें, जो पवित्र विधि है, अर्थात आत्मा को शुद्ध करता है, जिस कारण से साधक को परमेश्वर इस लोक तथा परलोक के परम शांति रूप पूर्ण मोक्ष तथा इंद्रियों के आनंद रूप
पूर्ण मोक्ष रूपी अनमोल रत्न प्रदान करता है। यह शास्त्रों के अनुसार वास्तव में दिवाली है। पटाखे फोड़ना या शास्त्र विरुद्ध क्रिया करना दिवाली का बिगड़ा रूप है। सवाल नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष बाद ही दीपावली के त्योहार को मनाना क्यों बंद कर दिया था? दर्शकों, आपने सही सुना, सत्य तो यही है कि जिस दीपावली को आज लोग प्रमुख त्योहार के रूप में मनाते हैं, उस दीपावली के त्योहार को अयोध्या वासियों द्वारा 2 बार ही मनाया गया था, क्योंकि जब 2 वर्ष के पश्चात धोबी के व्यंग्य के कारण श्री राम ने गर्भवती माता सीता को घर से निकाल दिया, तो अयोध्या वासी इस घटना से इतना दुखी हो गए कि उसके बाद अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था कि जिस देवी के लिए रावण मारा, आज वह फिर कितने रावणों का कष्ट झेलेगी। दीपमाला खुशी का प्रतीक है। जब राजा और रानी भिन्न भिन्न हो गए तो न दीपावली राजा को अच्छी लगे और न प्रजा को, इसलिए दीपावली का पर्व उसी समय से बंद हो गया था। जो 2 वर्ष मनाया था उसी के आधार से भोली जनता यह पर्व मना रही है, जबकि हमारे पवित्र शास्त्रों में ऐसे किसी भी त्योहार का वर्णन नहीं है, और फिर भी ऐसे मनमाने त्योहार लोग मनाते हैं जिससे लोगों को कोई लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि और गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, देखिएगा गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में दिखाते हैं आपको, 23 और 24 में, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर हम दिखाते हैं आपको 23 में, जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 24 में बताया कि इससे तेरे लिए, सुर में जाएगा 24वां श्लोक, इससे तेरे लिए कर्त्यो रह कर्त्यो की व्यवस्था में कौन से कर्म करने चाहिए भक्ति के, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म करने योग्य है, यानी शास्त्रों में जो वर्णन है वही साधना कर, अन्य करेगा तो कोई लाभ नहीं होगा, यूजलेस। इसी विषय में अब सुनिए संत रामपाल जी महाराज का सत्संग। जैसे त्योहार आते हैं, कोई बात हुई, वो व्रत के खर्चे, ये त्योहार मनाते हैं दिवाली का, दीपावली, ये किस लिए मनाते हैं कि भगवान श्री राम सीता जी को लेकर घर लौटे थे, और फिर चलो पहले तो देसी घी के दीप जलाए जाते थे, हवन हो जाता था, वो भी बढ़िया बात थी, लेकिन एक दिन हवन कर देने से बात नहीं बनती। अपना रोज लगावे घी की दीप है, रोज हवन करे वो, और जब सीता जी को घर से निकाला फिर भी मनाओ तुम, उसने फिर भी दिवाली मना रहे हो, सीता तो घर से निकाल दी गई थी जिसके आने की खुशी में, और वो दीप जलाए गए थे और फिर वह निकाल दी घर से, वो तो दुखी हुई वहाँ जंगल में टाइम पास करा बेचारी ने सह परिवार, पर श्री राम घर पे परिवार उसका जंगल में, चाहे राजा के कुछ भी बना रहो, एक छोटे से नगर का राजा, अयोध्या का राजा था, चाहे राष्ट्रपति बने जाए पूरी पृथ्वी का, जिसका परिवार कहीं रहा कहीं वो जीव सुखी हो सकता है, और फिर भी दिवाली मनावें और दीप जलावें। तो इस तरह की जो क्रियाएं हैं ये परंपरा है, सूझबूझ का कार्य नहीं है। फिर बम छोड़ते हैं त्योहार के दिन, कितना प्रदूषण फैलाते हैं, आग लग जाती है, तो यह परंपरा बनाई तो बच्चे आकर्षित हुए, इसको समाप्त करेंगे धीरे धीरे। और क्या की खुशी, एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ मैं, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना, हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है 5-6 भाई हैं मेरे दादा रहे, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है, पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी, 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है, और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्यौहार मना के नहीं देखा, फिर कहाँ गई वो दीपावली। और परमात्मा कहते हैं इसे गंदे लोक में, जैसे नानक साहब जी से कहा था कि आप यहाँ खुशी नज़र नहीं आते, मायूस बने रहते हो, तब नानक साहब जी ने कहा था ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पासावे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा आसावे। सवाल नंबर 3,
दीपावली के दौरान सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है, तो क्या इससे भी कोई लाभ नहीं होता? दर्शकों, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी है, जो त्रेता युग में माता सीता और रामचंद्र जी के रूप में जन्मे थे, तथा गणेश जी भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। और ये हमें कितना लाभ दे सकते हैं, यह हमें श्रीमद्देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 4-5 से मालूम चलता है, जिसमें श्री विष्णु जी और भगवान शंकर अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए क्या कहते हैं। देखिए, श्रीमद्देवी भागवत 3रा स्कंध, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। इसके ये सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहां से प्रकाशित है, मुद्रित और प्रकाशित, ये गीता प्रेस गोरखपुर से है। गीता भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान, गीता प्रेस गोरखपुर। इसके 123 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, बिल्कुल दो मिनट में सारी कहानी समझ में आ जाएगी। 123 पृष्ठ पे ये 3रा स्कंध, भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की महिमा स्तुति करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए बोल रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं, हमारा आविर्भाव माने जन्म, तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये प्रकृति शब्द याद रखना कि दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। जिसमें दास आपको श्रीमद् भगवत गीता में यह सिद्ध करेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति दुर्गा से हुई है और गीता में वर्णित है, उस समय प्रकृति शब्द आपका काम आओगा कि प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। गीता के अंदर दो प्रकृति बताई है, एक तो जड़ जैसे ये अग्नि वायु हवा आदि, और एक चेतन, चेतन ये दुर्गा प्रकृति है। तो इसलिए कहते हैं तुम आप ही प्रकृति हो। और फिर भगवान शंकर क्या कहते हैं देखिएगा, भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रगट हुए हैं, उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला, क्या तुम्हारा मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं, उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अपुनात्माओं, इस पवित्र पुराण के चंद पंक्तियों ने 4-5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। दूसरा ये कर दिया कि दुर्गा प्रकृति को कहते हैं। तीसरा ये हो गया कि प्रकृति दुर्गा इनकी माँ है। और चौथा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और पांचवा ये हो गया कि ये भगवान केवल वर्क डन दे सकते हैं, जैसा जिसका कर्म है इसमें ये कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, ये इसे सिद्ध हो गया। अब देखिए, कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पूर्व अपने प्रिय शिष्य धर्मदास जी को बताया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी की माता दुर्गा है और इनका पिता ज्योति निरंजन काल ब्रह्म है। देखिए, कबीर सागर बोध सागर खंड अध्याय ज्ञान बोध के पृष्ठ 21-22 में अंकित ये वाणी, धर्मदास यह जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जगत से कहियो राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ, अब मैं तुमसे कहूं चिताई, त्रय देव न की उत्पत्ति भाई।
कुछ संक्षेप कहो गुहराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। पहले कीन्ह निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्म राय को हिकमत कीन्हा, नख रेखा से भग कर लीन्हा। धर्म राय किन्हा भोग विलासा, माया को रही तब आसा। तीन पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। तीन देव विस्तार चलाए, इनमें यह जग धोखा खाए। पुरुष गम्य कैसे को पावे, काल निरंजन जग भर मावे। तीन लोक अपने सुध दीन्हा, सुन्न निरंजन बासा लीन्हा। अलख निरंजन सुन्न ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन कावे पार ना पावे। अलख निरंजन बड़ा बट पारा, तीन लोक जीव कीन्ह आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पूर्ण धूर उड़ाए। तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत हैं सेवा। तीनों देव और अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। तीनों गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा। गुण तीनों की भक्ति में भूल परो संसार। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। वहीं इसी विषय में संत गरीबदास जी ने अमर ग्रंथ अध्याय आदि रमैणी में बताया है कि माया मूल रूप एक छाजा, मोहि लिए जिन्हु धर्म राजा। धर्म का मन चंचल चित्त धारिया, मन माया का रूप बिचारा। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सरबस जागा। धर्म राय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनुरागी, धर्म राय दिया दिल से त्यागी। धर्म राय के चले विमाना, मानसरोवर आए प्राणा। मानसरोवर रहन न पाए, दरय कबीरा थाना लाए। बंकनाल की विषमी बाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिली जगत बंधाना, लख 84 जीव संताना। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, धर्म राय का राज पठाया। यह खोखापुर झूठी बाजी, भिस्ती बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव भुलाने भाई, निज घर की तो खबरी न पाई। 125,000 उपजे नित हंसा, 100,000 विनशे नित अंसा। उपति खपति प्रलय फेरी, हर्ष शोक जौरा जम जेरी। पांचों तत्व हैं प्रलय माही, सत्व गुण रज गुण तम गुण झाई। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भगवान विष्णु और भगवान शंकर जी हमारे कर्म में परिवर्तन नहीं कर सकते, यानी किस्मत से ज्यादा हमें नहीं दे सकते, तो फिर भगवान विष्णु की पत्नी माता लक्ष्मी तथा भगवान शिव के पुत्र गणेश जी की पूजा से हमें अपनी किस्मत से ज्यादा लाभ कैसे मिल सकता है। अर्थात इनकी पूजा से भी हमें कर्म फल ही मिलता है। लेकिन सदग्रंथों में एक ऐसी परम शक्ति का वर्णन है जो हमें किस्मत से भी अधिक देता है, इसलिए उसे बंदी छोड़ और पाप नाशक परमात्मा कहा गया है, जिसकी जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे जानने को मिलेगी। सवाल नंबर 4, प्रत्येक मनुष्य सुख की तलाश में है और वह सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु शिव जी सुखी होंगे और इनकी भक्ति से हमें सुख प्राप्त होगा, इसलिए वे इन देवताओं तथा इनके अवतारों को पूजते हैं। लेकिन क्या ये सुखी हैं? इस विषय में सुनिए संत रामपाल जी महाराज का यह अद्वितीय सत्संग। देखिए, तो हमने अभी तक न तो सत्यनारायण का ज्ञान था और न ही सतलोक का। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। उसी परमेश्वर की कृपा से सनातन परम धाम और परम शांति। जब तक जन्म मृत्यु है जीव को शांति नहीं हो सकती, क्योंकि इस पृथ्वी पर आप किसी भी जीव को देख लो, किसी को भी चैन नहीं है। हम राजा लोगों को ये समझते थे ये बड़े सुखी हैं, इन जैसा दुखी धरती पर इंसान नहीं। ये सत्कर्मा जन, अब इनके बस की बात नहीं, ये राज ना करें, क्योंकि इनके भाग में लिख रखे है, इसकी इनकी तख्त किस्मत है, पिछले पुण्य है। उन पुण्यों के प्रतिफल में उनको ये समस्या मिली हुई है। देखो, एक छोटे से परिवार का एक मुखिया होता है जिसमें 5-7 सदस्य होते हैं, उनकी व्यवस्था में वो कितना दुखी रहता है। किसी कोई बीमार हो गया, किसी के कपड़े लेने हैं, किसी की फीस भरनी है,
फिर विवाह के योग्य होगे, विवाह ना हुआ तो चिंता होगी, तो फिर आगे मनमाने और समस्या, पुत्र ना हुए उनके तो समस्या। तो कहने का भाव यह है, वो एक ही छोटे से परिवार के पोषण में रात को भी सपने में भी दुखी रहता है, और राजा तो एक बहुत बड़े क्षेत्र का मुखिया बन जाता है, पिता बन जाता है। राजा प्रजा का पिता होता है, और उसको कितनी चिंता रहती है, कहीं फ्लड आ गया है तो राजा को धक्क देसी होगी, कि दुर्घटना होगी तो उसकी उसी को समस्या होती है, कहीं कुछ बनाना है, कहीं कोई अशांति फैल गई है, कोई MLA खिसकन की सोच रहा है तो नींद आवे नहीं। तो यहां कहते हैं परमात्मा कि यहां शांति नहीं किसी प्राणी को। राजा लोग निर्धन तो सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं कि राजा सुखी, राजा सोचता है कि भाई स्वर्ग में बतावें सुख तो वहां होगा, ये सत्कर मान लेना आप। इन राजा लोगों को सुख नाम की चीज नहीं है, सपने में भी नहीं सुख इनको, और फिर ये सोचते हैं स्वर्ग में सुख है। जिन बकवादों को हम सुख मानते हैं वो सुख नहीं है। परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोट। बेटा जाया खुशी हुई बहुत बजाए थाल, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाल। अब राजा सोचते हैं कि स्वर्ग में सुख होगा, अब स्वर्ग के देवता जो उनकी उनकी दुर्गति उनके इतिहास पढ़कर देखो पुराणों में, कभी असुर और देवताओं का, सुर असुरों का युद्ध हो गया राक्षसों का, कभी देवता हार गए कभी असुर हार गए। इंद्र जो स्वर्ग का राजा होता है गद्दी छोड़ भाग गया, असुरों ने कब्जा कर लिया स्वर्ग पर, वो कहीं जंगल में भूखा प्यासा भटक रहा है, और इंद्र सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे। ये तीन लोक के एक एक विभागीय मंत्री हैं। अब ये ब्रह्मा विष्णु महेश कितने सुखी हैं? श्री विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी, श्री रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र के रूप में राजा दशरथ के घर जन्म जब श्री विष्णु जी का हुआ, युवा हुए, युवा होते विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास से सीता का हरण हुआ यानी उसकी पत्नी का, रावण उठा ले गया, और फिर रावण के साथ युद्ध हुआ, पुण्यात्माओं करोड़ों व्यक्ति मारे गए वहां पर, तब सीता की वापसी हुई, वापसी आने पर बड़ी खुशी बनाई, नगरी में दीप जलाए गए घी के, सीता के वापस श्री राम के वापस आने पर, सीता लौटा लाने पर, और कुछ दिनों के बाद सीता जी का निष्कासन कर दिया श्री रामचंद्र जी ने स्वयं ही। किस बात पर के एक धोबी ने व्यंग कस दिया, वो अपनी पत्नी को धमका रहा था रात्रि के समय, वो किसी उस आपस में कहा सुनी होने से उस धोबी की पत्नी घर से बाहर चली गई थी कहीं अपने रिश्तेदारी में, फिर वो वापस लेकर आया तो उसको धमका रहा था कि मैं तुझे घर नहीं रखूंगा, तू 3 दिन कहाँ रही, मैं दशरथ के पुत्र जैसा नहीं हूं जो वहां पर 12 वर्ष तक रावण के पास रही, उसको फिर घर ले आया। उधर से श्री रामचंद्र जी राजा थे अयोध्या के, पहले राजा लोग अपनी प्रजा के दुख सुखों को स्वयं ही जाना करते थे, रात्रि के अंदर वेश बदल कर घूमा करते थे, ये बात जब देखा कि किस घर में के आवाज आ रही है, वहां खड़ा होकर सुना, तब उसने सुनने को मिला कि मैं उस राजा दशरथ के पुत्र रामचंद्र जैसा नहीं हूं जो
रावण के पास उसकी पत्नी रही और उसको घर में रखे हुए है, तो सुबह निकल जाना यहाँ से। इस बात को सुनकर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को निष्कासित कर दिया, निकाल दिया घर से, कि नगरी के लोग मेरे ऊपर व्यंग कस रहे हैं और मैं ये बात नहीं सुन सकता। पुण्यात्माओं, जब सीता जी को रामचंद्र जी लाने लगे रावण का वध करके लंका का राज्य विभीषण को देख, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मैं तेरी परीक्षा लूंगा और यदि परीक्षा में सफल होगी तो मैं ले चलूंगा, नहीं तो नहीं ले चलूंगा। मैं तुझे अग्नि में जलाऊंगा, यदि तू अग्नि में जल गई तो समझूं तेरी कि तू कलंकित थी, तू रावण को समर्पित हो चुकी थी, और यदि अग्नि में तू नहीं जली तो मैं निष्कलंक जानूंगा, तब तुझे ले चलूंगा। ऐसा ही किया गया, सीता को अग्नि में बैठा दिया और हजारों की संख्या में दर्शक थे, सीता जी नहीं जली और सब ने कहा कि भगवान निष्कलंक है, माई निष्कलंक है। और इतनी कठोर परीक्षा लेकर के वापस अपने घर लाया था और फिर एक व्यक्ति के कहने से श्री रामचंद्र जी ने उसको निकाल दिया, अपनी पत्नी को। तो कहाँ गई वो, उसका अपना जजमेंट। तो ऐसे ये राजा के योग्य भी नहीं थे ये लोग, और हम इनको भगवान मान रहे थे। एक गर्भवती औरत को अपनी को घर से बाहर निकाल देता है, कहीं मरो कहीं जाओ, कोई बात थी या? फिर परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी, और क्यों इतनी दुनिया मरवाई, फिर छोड़ देता रहे, रावण के पास ही रहती हो। पुण्यात्मा, यहां का राजा काल भगवान है और ये नहीं चाहता कि इन यहां के प्राणियों को परमात्मा का पता लग जाए, जिस कारण से इसने इनको भगवान सिद्ध करवा रखा था अपने नकली दूतों के माध्यम से। और फिर क्या होता है, लास्ट में श्री रामचंद्र जी ने अश्वमेघ यज्ञ घोड़ा छोड़ दिया कि पूरी पृथ्वी पर शासन प्राप्त करने के लिए, कि इस घोड़े को जो पकड़ेगा वो युद्ध करे मेरे साथ। वो घोड़ा उन्हीं के पुत्रों ने, जो सीता जी ने बाहर जाके जन्म दिया था ऋषि वाल्मीकि की कुटिया में, एक पुत्र गर्भ में था, दूसरा फिर वाल्मीकि जी की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण एक घास से, यानी कुसा से, या घास होती है डाब, इससे एक लड़का बनाया था, ये अलग कहानी है फिर बताएंगे। तो लव और कुश नाम से प्रसिद्ध हुए, लव तो सीता के गर्भ से जन्म हुआ था और कुश को वाल्मीकि जी ने अपनी भक्ति शक्ति से उसको बनाया था। लव और कुश युवा थे, उन्होंने वो श्री रामचंद्र जी का घोड़ा पकड़ लिया। फिर उनका पिता पुत्रों का युद्ध हुआ तो दोनों ने छक्के छुड़ा दिए राम के, और सीता जी फिर भी उनके हाथ नहीं आई और वो पृथ्वी के अंदर समा गई। और श्री रामचंद्र जी ने आकर के सरयू नदी के अंदर, अयोध्या के साथ से बह रही एक सरयू दरिया, उसमें जल समाधि ले ली इसी दुख में। अब श्री कृष्ण जी का इतिहास देख लो, श्री विष्णु जी अवतार श्री कृष्ण जी, श्री राम वाली श्री रामचंद्र जी के जीवन वाला भोग भोग के वो प्राणी श्री कृष्ण रूप में फिर जन्म हुआ, सारा जीवन दुखी रहा श्री कृष्ण, सारा जीवन जेल में जन्म हुआ, मात पिता कैद में, कभी मामा शत्रु हो गया, कभी पूतना मारने जा रही है, कभी केसी, कभी चाणौर शत्रु हो गया, कभी जरासिंह लड़ने को आ रहा है, कभी शिशुपाल से युद्ध हो रहा है, कवासुनी हो रही है, और कभी फिर काल्यवन आ रहा है। इस दुख में श्री कृष्ण जी ने मथुरा का त्याग कर दिया और ऐसे स्थान पर रहने लगे जहां कोई ना पहुंच सके,
समझदार व्यक्ति यही सोचते हैं राड़ से बाढ़ अच्छी होती है, झगड़े से बचाव अच्छा होता है। श्री कृष्ण जी उन सबको भी मार सकते थे क्योंकि वो त्रिलोक के में एक विभागीय मंत्री है, एक विशेष शक्ति होती है प्राणी में, वो उनके अंदर शक्ति थी। लेकिन यही सोचा था कि किस किस ने मारूं या तो सबकी बुद्धि भ्रष्ट। तो श्री कृष्ण जी ने द्वारका बनाई, समुद्र के बीच में एक टापू था जिसका केवल एक गेट था, द्वारिका, एक द्वार की नगरी। और ये सोच करके वहां यदि इतनी दूर पहले तो कोई आवेगा नहीं, ऐसे स्थान पर जा रहे हम और वहां कोई आवेगा युद्ध करने, तो हम एक ही तरफ से उसका सामना कर सकते हैं, इसलिए एक गेट था उसका और बाकी तीन समुद्र था तीन तरफ। तो वहां श्री कृष्ण जी चले गए, अपना अधिकतर सारा ही जीवन वहां व्यतीत किया, यहाँ तो ज्यादा से ज्यादा 18 साल के 20 वर्ष के तक यहाँ रहे थे और बाकी फिर लगभग 200 वर्ष तक जिए थे श्री कृष्ण जी, और बाकी का समय द्वारका में व्यतीत किया था। तो अब ये जो लोग अनजान संत ऋषि ये गुरु नकली हमें भ्रमित करते हैं कि द्वारका का उस गोवर्धन का की परिक्रमा करनी चाहिए और वृंदावन अवश्य जाना चाहिए, मथुरा में अवश्य जाना चाहिए, वहाँ हमारे भगवान ने लीला की है, उनके चरण कमल टिके हैं, वहाँ घूमा करते थे, स्नान किया करते थे। अरे श्री कृष्ण जी यहाँ तो 20 वर्ष रहे थे मथुरा में, बाकी 180 साल तो वहाँ रहे हैं द्वारका में, और वहाँ का नामो निशान मिट गया उस द्वारका को, इसलिए वहाँ खत्म की द्वारका, समुद्र में डूबगी श्री कृष्ण जी की मृत्यु के बाद, और यादों का विनाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे और जो बाकी शेष औरतें बची थी उनको अर्जुन ले आया था, सब खाली हो गई थी द्वारका, उसके बाद वो समुद्र ने डबो दी थी, अंदर चली गई। कारण यही था कि भगवान ने सोचा कि यहाँ आएंगे फिर ये धक्के खान द्वारका में इतनी दूर, इसलिए उसका नामो निशान मिटवा दिया था। अगर आज द्वारका होती तो ये नकली कहते द्वारका में भगवान रहे थे, वहाँ जाया करो, वहाँ बहुत पुण्य होता है। उस द्वारका में तो सत्यानाश हुआ था, सारे यादों कटका मर गए थे वहाँ पर, आज भी जाते हैं वहाँ बहुत से श्रद्धालु। तो कहने का भाव यह है कि जब तक आत्म ज्ञान बिना नर भटके, इस तत्व ज्ञान बिना नर भटके, कदे मथुरा कदे काशी, फिर श्री कृष्ण जी का फिर कैसे अंत हुआ? श्री कृष्ण जी के सामने पूरा यादव कुल आपस में लड़का मर गया, पोते पड़पोते रिश्तेदार सब आपस में कटका मर गए, और वो सारा सांग देख कर, वो सारा अनर्थ देख कर जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई, एक परिवार के सामने एकादे की मृत्यु हो जाती है, उसका कलेजा फट जाता है, रो रो के पागल हो जाता है इंसान। तो पुण्यात्माओं आज तक हमें सत्यनारायण कथा नहीं मिली थी, और ये सत्य कथा है, सत्यनारायण का अर्थ है सच्चा भगवान और सच्चे भगवान की सच्ची कहानी, सच्ची कथाएं। तो प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा ने बताया कि तुम जब तक जन्म और मृत्यु के अंदर हो सुख नहीं हो सकता, शांति नहीं हो सकती। अब इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, अब इन ब्रह्मा विष्णु महेश की आप देख रहे हो, श्री राम की, श्री विष्णु जी की, श्री कृष्ण जी की कैसे दुर्गति हुई। श्री कृष्ण यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सोचते हैं कि परमात्मा कोई और है, हम सुखी नहीं है। अब प्रसंग चल रहा है कि सत्यनारायण कथा जो है, सत्यनारायण का अर्थ है अविनाशी परमात्मा, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सत्यनारायण नहीं है। श्री विष्णु जी को हम सत्यनारायण जानकर किसकी कथा सुना और सुनाया करते थे, सुनते और सुनाते थे। आपको दिखाते हैं कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी
ये सत्यनारायण नहीं थे, अविनाशी भगवान नहीं थे, ये नाशवान थे, इनकी जन्म मृत्यु होती थी। श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे स्कंध अध्याय 4-5 को, जिसमें श्री विष्णु जी अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं विष्णु, ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से ही विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, अर्थात हम तीनों देव नाशवान हैं, केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति देवी हो। फिर आगे श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो, इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्मा विष्णु व शिव जी नाशवान हैं, इनकी माता दुर्गा है, ये केवल नियमानुसार कार्य कर सकते हैं। यानी किसी के जीवन में सुख है तो सुख ही प्रदान करेंगे और दुख है तो दुख ही प्रदान करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। महाभारत का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने बहुत कोशिश की, यानी विष्णु जी ने, कि ये युद्ध ना हो। उनकी 100 प्रयत्न करने पर भी युद्ध होकर ही रहा, तो जो क्रियावान कर्म थे वह भी ना बचे, उनको भी नहीं चेंज कर सके। नित कितना अनर्थ हुआ, करोड़ों व्यक्ति मारे गए, वो सारा पाप पांडवों के सिर पर रखा गया, और प्रारब्ध के कर्म को ये अपना भी नहीं काट सकते। प्रारब्ध तो दूसरों का नहीं, कैसे काटेंगे? जैसे श्री राम रूप में श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव के भाई बाली को मारा था, धोखा देकर वृक्ष की ओट लेकर तीर मारा था, उसका भी बदला देना पड़ा, वो भी कर्म दंड भोगना पड़ा, उसके प्रारब्ध में लिखा गया वो कर्म श्री कृष्ण रूप में। जो बाली वाली आत्मा थी वो तो एक शिकारी बना, और श्री राम वाली आत्मा श्री कृष्ण बने, और श्री कृष्ण जी का वध विषाक्त तीर यानी जहर से बुझे हुए तीर मारकर उस एक शिकारी ने उनका वध किया। तो उनका अपना भी कर्म भोगना पड़ा, उन भगवानों को जिनकी हम गुण गाया करते थे, जिनको सर्वशक्तिमान बताया करते थे, तो वो भी सर्वशक्तिमान नहीं पाए, ये अविनाशी भी नहीं पाए, क्योंकि इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनके पिता कौन है? इनके पिता काल रूपी ब्रह्म है। पुणात्माओं, सत्संग के अंदर परमात्मा की याद दिलाई जाती है, आत्मा और परमात्मा की सतीथी बताई जाती है, कौन से कर्म अच्छे हैं कौन से बुरे हैं ये याद दिलाई जाती है। और आपको जो मिशन से जुड़ता है, जो भगवान चाहता है, उसको स्ट्रिक्टली कहा जाता है कि ये पाप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो तुम सफल होगे, सच्चाई है ये। तो फिर वो आपके क्रियावान कर्म भी बदलवा दिए जाते हैं। जैसे कोई शराब पीता है, कोई चोरी करता है, कोई मिलावट करता है, कोई जारी करता है, कोई और बकवाद करता है, वो सब छुटवाई जाती है, वो क्रियावान कर्मों को भी चेंज कर दिया जाता है। प्रारब्ध के अंदर आपकी किस्मत में कोई जबरदस्त दुख है, उसको भी परमात्मा हल्का करके नाश कर देते हैं। परमेश्वर शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिक में जय भाग्य में सूली हो वा काटे में डर जा। यदि आपके भाग्य में कहीं मृत्यु दंड लिखा हो, कहते काटा लाग के, मनमाने ठोकर लाग के, अंगूठा फूट के जीवन बच जा, इतना हल्का करके परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध में लिखे हुए पाप कर्म का विनाश कर देते हैं। और संचित जो कर्म आपके वहां रखे हैं डिपॉजिट, उसका भी नाश कर देते हैं। दर्शकों, इसी विषय में यजुर्वेद अध्याय 8:13 में लिखा है कि वेदों को बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि हे पूर्ण ब्रह्म, आप सतभक्ति करने वाले भद्र पुरुष संत ऋषि द्वारा किए हुए पाप के क्षमा
अर्थात विनाश करने वाले हो, साधारण व्यक्ति के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। सत भक्ति चाहे पिता करे, उस पिता के किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। शास्त्र अनुकूल साधना चाहे कोई स्वयं करे, उसके अपने किए हुए पाप के विनाश करने वाले हो। और तो और, आप पाप के पाप अर्थात घोर पाप के विनाश अर्थात क्षमा करने वाले हो। जो सतभक्ति करने वाला पाप चाहे शिक्षित अर्थात पंडित या अशिक्षित करे, उसके तथा सर्व सतभक्ति स्तुति करने वालों के पाप के विनाश करने वाले हो। तथा यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में लिखा है, जो पूर्ण शांतिदायक है वह पाप का शत्रु अर्थात पाप विनाशक कबीर है। दो स्थानों पर वास करता हुआ दुखदायी काल लोक में रहने वालों के कर्म बंधन का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ रक्षा के लिए तुरंत आने वाला है। अर्थात संपूर्ण शांतिदायक, पापनाशक और कर्म बंधनों से छुड़वाने वाला यानी बंदी छोड़ परमात्मा कबीर है, जो हमारे संचित तथा क्रियावान कर्म को भी समाप्त कर देता है। सवाल नंबर 5, दीपावली के ठीक बाद मनाई जाने वाली गोवर्धन पूजा क्या है? क्या गोवर्धन पूजा शास्त्रों में वर्णित है? तथा गोवर्धन पूजा करने तथा गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने से क्या कोई लाभ होता है? भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं, उन्हीं में से एक पर्व है गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन की जाती है। गोवर्धन पूजा को प्रकृति की पूजा के साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें गोबर से आकृति बनाकर उसकी पूजा की जाती है। कई लोग इस दिन गाय और बैलों की पूजा करते हैं। गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से की जाती है। इसी दिन श्रद्धालु ब्रज में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। दर्शकों, इस कथा से आप खूब परिचित हैं कि ब्रजवासी यानी श्री कृष्ण जी के कुल के व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। श्री कृष्ण ने एक दिन उनसे कहा कि हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, न देवताओं के राजा इंद्र की पूजा करेंगे, हम परमात्मा की पूजा करेंगे। जिसके बाद ब्रजवासियों ने देवताओं के राजा इंद्र की भी पूजा बंद कर दी और इसी कारण ब्रज नगरी को डुबोने के उद्देश्य से इंद्र ने प्रतिशोध लेने के लिए मूसलाधार बारिश करनी शुरू कर दी। तब श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को एक हाथ की उंगली पर रख लिया तथा उसको पूरे ब्रज नगरी के ऊपर फैला दिया। सब ब्रजवासियों से कहा कि अपने पशुओं सहित पर्वत के नीचे आ जाओ। वर्षा का सारा पानी गिरिराज पर्वत ने सोख लिया। इंद्र की हार हुई और इस तरह ब्रजवासियों ने देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी। इसके बाद श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत को पुनः यथास्थान पर रख दिया। अब विचार करें कि हिंदू समाज में गोवर्धन यानी गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और पूजा देवी देवताओं की करते हैं। इससे तो भगवान विष्णु उर्फ श्री कृष्ण जी सख्त नाराज होंगे, क्योंकि हम उनके आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। यानी आप गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा करके तो भगवान श्री कृष्ण जी का अपमान करने का कार्य कर रहे हो। वहीं गोवर्धन परिक्रमा व गोवर्धन पूजा शास्त्रोक्त साधना न होने के कारण इससे लाभ तो मिलता नहीं, बल्कि परिक्रमा के समय पैरों के नीचे असंख्यों कीड़े मकोड़े जीव जंतु मरते हैं। वह पाप अवश्य लगता है, यानी उनका पाप आपके भाग्य में लिखा जाता है, क्योंकि सूक्ष्म वेद में कहा गया है, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे कोटि जीव एक दिन में मारे, करई आरती संजम सेवा यो अपराध न उतरे देवा। वहीं श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं के कारण लोग उन्हें भगवान मानते हैं, तो इसी विषय में देखिए श्री कृष्ण भक्त और कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के बीच हुई इस बहस को, जिसे देखने के बाद यह निर्णय हो जाएगा कि वास्तव में लीलाओं को भी देखा जाए तो जो चमत्कार श्री कृष्ण जी नहीं कर सके, वह चमत्कार कबीर परमात्मा ने किया था। देखिए, अब आप कैसे सिद्ध करोगे कृष्ण बड़ा है? कृष्ण भाई बड़ा ही है, जो कि उनके प्रिय मित्र थे सुदामा जी, तो उन्होंने उनका इतना बड़ा महल खड़ा करवा दिया था, उनकी आंख फट गई थी देखकर। और जो कबीर को बार बार भगवान कर रहे हैं ना, जो इतने भगवान था, तो चार बांस गाड़ के उन्हें टाइम पास कराया, झोपड़ी चूक रही थी, बरसात आ रही थी, अपने लिए भी दो एक कुट्ठा बना लेते, उसमें टाइम पास होया। सही बात है भाई, ये तो भाई एक मिनट, हाँ जी कौन जवाब देगा इसका? कबीर अगर बड़ा होता तो अपने लिए महल बना लेता, कृष्ण जी ने तो सुदामा का महल बना दिया था। देखो जी, सुदामा का महल कृष्ण जी ने बना दिया, ठीक है जी, इतनी शक्ति के भगवान तो वो हैं, हम भी मान रहे हैं कृष्ण जी भगवान हैं, पर वो तीन लोक के भगवान हैं, कुछ लीलाएं तो उनके द्वारा भी होती ही हैं। अब कबीर भगवान की लीला अगर इसके समानांतर मैं लूं, तो आपने तैमूरलंग का नाम सुना है? तैमूरलंग वो राज, मतलब पहले एक गरीब आदमी था, उनके घर रोटी तक नहीं होती थी, और कबीर परमात्मा ने ऐसी लीला करी, वो आपको सूक्ष्म वेद में सारा प्रमाण मिलेगा, कबीर जी की लीलाओं में मिलेगा, कि कबीर साहब ने ऐसी लीला करी, उनके वहां जाके सिर्फ एक रोटी खाई थी, एक जल का लोटा पिया था, और उनको 7 पीढ़ी का राज दिया। आज भी भारत में प्रमाण है, वहां तैमूरलंग का पोता बाबर आके भारत में राज शुरू किया, 7 पीढ़ी तक औरंगजेब तक उनका राज भारत में रहा, वो कबीर साहब ने दिया था, ये प्रमाणित लिखा हुआ है जी, बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं रोटी तैमूरलंग को देनी और ताते साथ बादशाही लेनी, तो कबीर परमात्मा को एक रोटी खिला के और उन्होंने 7 बादशाही का राज दिया, 7 पीढ़ी का, औरंगजेब तक इनका राज रहा है,
और फिर कबीर परमात्मा ने कहा था आपका राज जो है खंड हो जाएगा, औरंगजेब के बाद राज भी खंड हो गया आप देख लो। तो जी कृष्ण जी का सुदामा का महल तो सबने देखा और सात पीढ़ी का राज जो कबीर भगवान ने दिया, ये है समर्थ की पावर। बोलो कबीर भगवान की जय। भाई इतिहास प्रमाण है, इन्होंने जो कहा है कि भाई एक मिनट सवाल क्लियर होने दो। उन्होंने सिद्ध किया सुदामा का महल बनाया तो कबीर जी ने, इनके कबीर जी ने सात पीढ़ी का राज दिया, वो इतिहास प्रमाण है, ये बात सिद्ध हुई। अब आप दूसरी बात बताओ, कबीर कृष्ण को कैसे बड़ा बताओगे? हर बात में कबीर बड़ा हो रहा है। और भी बहुत सारी लीलाएं करी है, कुब्जा का जो है कोट ठीक कर दिया था, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था एक उंगली से, गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ये कहानी, ये कथा बहुत रोचक है। कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, कबीर जी ने क्या उठाया? बात ऐसी है, कबीर जी की एक वाणी है कि गोवर्धन श्री कृष्ण धारो और द्रोण गिरी हनुमंत और शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा है, इनमें कौन भगवंत? अगर पहाड़ उठाने से भगवान सिद्ध हो जाते तो आप ये आपके ही प्रचलन में, आपके ही लोकवेद में कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर पूरी पृथ्वी धरी है, तो इससे बढ़िया तो फिर शेष नाग भगवान है। अगर पत्थर उठाने से ही भगवान बन जाते तो शेषनाग भी भगवान है, फिर उनको क्यों नहीं मानते? हनुमान जी ने भी पहाड़ उठा लिया, उनको भी भगवान मान सकते हैं। ये भगवान के लक्षण ही नहीं है। ना वेदों में लिखा हुआ कि भगवान वो माना जाएगा जो पत्थर उठाएगा, वेदों में तो परमात्मा की महिमा ही दूसरी लिख रखी है, तो इससे कोई सिद्ध नहीं होता। सही बात है भाई, फिर तो कृष्ण से बड़ा शेषनाग भगवान हो गया, उसने तो सारी पृथ्वी उठा रखी है। बताओ भाई अब दूसरा कोई बताओ, कृष्ण जी कैसे बड़े हैं? शेषनाग के ऊपर भी तो कृष्ण भगवान ही विराजमान है, वो भी तो उसकी है, तो वो विराजमान है तो कृष्ण फिर भी शेषनाग ही बड़ा हो गया ना। और कोई सवाल दो। देखो भाई कृष्ण पुजारी, सुनो मेरी बात, हरे कृष्णा कहने से बात नहीं बनेगी, प्रमाण देने पड़ेंगे, सामने वाले आप भारी पड़ रहे हैं। अब आप ये बताओ कृष्ण जी कैसे बड़े हैं, ऐसी कौन सी लीला, कुछ तो बताओ, हर चीज का प्रमाण दे रहे हैं। हाँ बांसुरी बजाते थे, सारी गाय उधर आ जाती थी, गाय जाती थी, पशु पक्षी आ जाते थे, चिपटते थे बहुत ज्यादा, एकत्रित हो जाते थे सिर्फ एक बांसुरी की धुन से। अभी सवाल नहीं, अभी चलन दो, अभी सवाल आपके पास लेंगे आके। भैया बांसुरी की बात आ गई है, कृष्ण जी में इतनी शक्ति थी वो बांसुरी बजाते थे, गाय है, गोपी ग्वाल है, वृंदावन में सब इकट्ठे हो जाते थे, कबीर जी ने क्या शक्ति ऐसी कोई लीला करी है जो सारे इकट्ठे हो जाते थे? बताओ जी। करी है और अनेकों बार करी है। कबीर जी के एक शिष्य हुए हैं संत मुलक दास जी, एक बार उन्होंने कहा कि गुरु जी कृष्ण जी जब बंसी बजाते थे तो सारी गाय और गोपी ग्वाल इकट्ठे हो जाते थे, उनकी वाणी इतनी मधुर थी। तो कबीर जी ने कहा भाई हम भी बंसी बजा के दिखाएंगे। तो जब कबीर जी ने बंसी लेके और बजानी शुरू करी तो आप तो गोपी ग्वालों की बात करते हो, सुर नर मुनि जन और देवता वो भी उस मुरली को सुनने के लिए आ गए थे, और जिस जमुना का जो दरिया बह रहा था वो दरिया भी एक जगह शांत हो गया था। इतनी मधुर वाणी बजाई थी कबीर साहब जी ने। इसका प्रमाण संत मुलक दास जी की वाणी में है कि एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, और सुर नर मुनि जन थकत भये वो रुक गया दरिया नीर। बंदी छोड़ सतगुरु रामदास की जय। प्रमाण है, भगवान है। भैया कृष्ण के पुजारी, इन्होंने आपके कृष्ण ने बंसी बजाई, उनके कबीर जी ने भी बंसी बजाई, सारा जमुना अमना सब थम गया था। अब कोई और लीला बताओ। मोर ध्वज के बेटे का शीश कटा हुआ उन्होंने जोड़ दिया था, उनकी लीलाएं इतनी है। जेल धाम से ही श्री कृष्ण जी तो जेल धाम से ही चमत्कार करने लग गए थे। आपने कहा कि श्री कृष्ण जी ने उनका तामर के लड़के का शीश काट करके उनको जीवित कर दिया था, गर्दन जोड़। सही बात है, भगवान ये काम कर सकते हैं भाई, कटे हुए गर्दन की तो भगवान ही जोड़ सकता है। आप बताओ कोई प्रमाण हुआ। हाँ जी, हाँ जी, अगर श्री कृष्ण जी भगवान थे तो अभिमन्यु का क्यों नहीं जीवित कर दिया? और इन्होंने बहुत सारी लीलाएं बताई श्री कृष्ण जी की, लेकिन जो वेदों में लीलाएं बताई गई हैं पूर्ण परमात्मा की, जैसे कुमारी गाय से उसकी तृप्ति होती है, तो परमात्मा है जन्म, उसका जन्म मरण नहीं होता, लेकिन वो कोई भी लीला श्री कृष्ण पे फिट नहीं बैठती है, तो इससे ही प्रमाणित होता है कि कबीर भगवान है। नहीं अभी इनके, ठीक है आपकी बात सही है भाई, चलो वेदों में नहीं मिलता। इनने कहा कि भाई कृष्ण ने तामर ध्वज को जिंदा कर दिया गर्दन काट के, कबीर जी ने कुछ ऐसा किया? क्योंकि लोग चमत्कार को नमस्कार करती है भाई साहब। देखो जी ये तो बहुत छोटी बात है कि एक तामर ध्वज जी का उन्होंने शीश जोड़ दिया। कबीर साहब जी ने ऐसे चार लोगों को जिंदा किया हुआ है जिसका प्रमाण कबीर सागर में मिलता है। सबसे पहले उनके जो शिष्य हुए हैं सेऊ और संबन, सेऊ जी उनके शिष्य हुए, उनकी नाड़ कट गई थी,
कबीर साहब ने उनकी नाड़ को जोड़ के एज इट इज उनको जीवित कर दिया। दूसरा यह प्रमाण मिलता है कि एक मुर्दा बहता हुआ नदी में जा रहा था और कोई प्रकरण चल रहा था, तो एक मुसलमानों के पीर थे शेख तकी पीर, उन्होंने कहा कि कबीर अगर तू भगवान है तो इस मुर्दे को जिंदा करके दिखा। तो कबीर साहब ने उसको ऐसे आदेश दिया, हे प्यारी आत्मा, आप जहाँ भी हो कबीर हुक्म से इस शरीर में प्रवेश करो और मेरे सामने आ जाओ। तो वो मुर्दा उठ के जिंदा होके कबीर साहब के पास आ गया। ऐसे ही शेख तकी की मरी हुई लड़की को, जो 12 दिन से कब्र में दबी हुई थी, कुछ दिनों से कब्र में दबी हुई थी, उसको वहाँ से कब्र से उठा के और उसको जिंदा करके अपने साथ ले लिया। ये कबीर सागर में प्रमाण मिलता है। अगर इसी से ही भगवान माने जाते हैं तो कबीर साहब तो डबल भगवान हुए, उन्होंने तो कई लोगों को जिंदा कर रखा है। कबीर भगवान की जय। दर्शकों, एक और विचारणीय विषय यह है कि आज लोगों द्वारा श्री राम और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, लेकिन सतयुग में किसकी पूजा करते थे? उस समय तो राम और कृष्ण नहीं थे। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कहा गया है कि उस तत्व ज्ञान को समझ उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे पूर्ण ब्रह्म को तत्व से जानने वाले अर्थात तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यानी हमें तत्वदर्शी संत की तलाश करनी चाहिए, जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में दी गई है। देखिए, ये है पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय, मंत्र नंबर 1। ऊर्ध्व मूलम, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे को शाखा, अश्वत्थम माने पीपल का, पीपल रूपी संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो। प्राहु कहा जाता है अव्यम अविनाशी। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी येतम वेद स वेदवित। इसका सीधा सार अर्थ है कि ऊपर को जड़, ये संसार रूपी वृक्ष का एक चित्र जानो, ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला है, ये संसार रूपी वृक्ष है। और जो संत जड़ से लेकर, मूल से लेकर तना, मोटी डार, शाखा और पत्तों तक बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। अभी दास ने सत्संग के प्रारंभ में कहा था, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। रामानंद जी ने कहा था कि हे परमात्मा, तुम साहेब तुम भगवान हो, तुम साहेब तुम संत और तुम सतगुरु तुम हंस हो। सतगुरु माने तत्व ज्ञान, यथार्थ ज्ञान बताने वाले भी आप ही हो। तो उस परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपनी अमृतवाणी में इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान पहले ही बोल रखा है। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोदे, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोधे। सतगुरु के लक्षण, सतगुरु की एक पहचान ये भी है कि सभी सदग्रंथों का ज्ञाता होता है वो। तो वो परमात्मा स्वयं ही थे, 600 वर्ष पहले कहा था, अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन, सर पुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। खुद भगवान ने अपने द्वारा रची सृष्टि को आप ही बताया था कि अक्सर पुरुष एक पेड़ है। अभी दास ने बताया था गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में, तीन पुरुष हैं, सर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो यहाँ परमात्मा ने अक्षर पुरुष से शुरू किया, क्योंकि जो मूल मालिक है वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो जड़ है संसार रूपी वृक्ष की, वो गुप्त होता है, जड़ें हिडन होती हैं, पृथ्वी में छुपी रहती हैं और सब काम वहीं से हो रहा है। तो ऐसे वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, गुप्त है। उसने, परमात्मा ने अपने को छोड़कर इस सेंटेंस, इस वाणी में अक्षर पुरुष, ज्योति निरंजन सर पुरुष और तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी और पत्तों की जानकारी इस वाणी में दिया है। क्या कहा है कबीर? अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये देखो, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष कहो इसको, निरंजन कहो, सर पुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा है पात्र संसार। तो वो परमात्मा सतगुरु थे और खुद वो सत्ता ज्ञान देने के लिए आते ही आते हैं, ये वेद बताते हैं। अब उन्होंने क्या बताया है देखिएगा,
परमात्मा ने यहाँ से स्टार्ट किया है, अपने को छुपा कर कहा है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, वो सारा वृक्ष कहलाता है। अक्सर पुरुष एक पेड़ है, ये तना, ये सर, अक्सर पुरुष समझो, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार, और तीनों देवा शाखा है पाते रूप संसारे। अब यहां परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया, अपने को छुपा दिया कि अक्सर वो मूल मालिक तो है ही, वो दास भेज दिया ये बताने के लिए कि वो जड़ कौन है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये देखिएगा इस चित्र के अंदर ये लिखा है स्पष्ट, ये देखो ये मूल है, पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, और ये है परम अक्षर ब्रह्म, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म कहो समझो, ये मूल है उस संसार रूपी वृक्ष की, और वो है कौन ये देखिएगा इधर, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहेब, ये कबीर परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म है, ये है संसार रूपी वृक्ष की जड़, और ये अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात्र। अब हम आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 पर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, गीता ज्ञानदाता ने केवल इतना बताया है, ऊपर को जड़ नीचे ने शाखा वाला, ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष समझो, पीपल का वृक्ष रूप, और छंदासी यस्य प्रणाणी, यस्य माने इसके, छंद माने विभागों को, सब भागों को, पार्ट्स को, ये तम वेद, इसके पत्ते आदि जो छंद हैं, इसके विभाग हैं, उनको जो जानता है, उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए इस संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। देख रहा पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले। अब यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दिया, यहाँ तो ठीक लिख दिया, यहाँ लिख दिया अध शाखम ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, ये गलत कर दिया, अध माने नीचे शाखा वाले लिखना था। अब देखो ये 2 नंबर मंत्र है गीता का 15वें अध्याय का, इसमें अध दो बार लिखा है अध, और इसका अनुवाद इन्होंने किया यहाँ पर, देखो अध माने नीचे और अध माने नीचे, तो यहाँ शर्म आ गई है, इनका ज्ञान तो था, और ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वोत्तर नहीं ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व में ऊपर, ऊपर जड़ और नीचे अध माने नीचे, तो यहाँ प्रथम मंत्र में 15वें अध्याय का, अब यहाँ लिखना था ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को मूल वाला, वो आदि पुरुष परमेश्वर हो तो ठीक है, परम अक्षर ब्रह्म है, ऊपर मूल तो उसकी संसार रूपी वृक्ष की, और अध शाखम ये नीचे को शाखा वाला, जैसा भी आपको दिखाया था ये है, ये ऊर्ध्व मूलम अध शाखम। अब गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ज्ञान दिया है कि ऊपर न जड़ और नीचे को शाखा वाला, दैट्स ऑल, ये उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो। अब इस और जो इसके सभी भाग बताएगा सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, ये देखना अध्याय नंबर 15 का, पंचदशो अध्याय 15वां अध्याय का, और मंत्र नंबर 1, ऊर्ध्व मूलम अध शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित, इसके पत्तों, प्रणानी माने पत्ते, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यह लिखना था नीचे शाखा वाले, ऊपर को जड़ वाला नीचे शाखा वाला, संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, और वेद छंद माने वेद नहीं होता, छंद माने विभाग भी होता है, छंद छंदी, अच्छा छंद जिसके पत्ते कहे गए इसका अर्थ है, और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित जड़ से लेकर पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है, या पहचान बताती है। अब परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा ये पात्र रूप संसार, वो मूल कौन है, वो खुद मालिक जो रचने वाला है, तो ये तत्वदर्शी संत अब ये दास है इस पृथ्वी पर, और सब सदग्रंथों से प्रमाणित है,
कि ये लक्षण होते हैं संत के। सवाल नंबर 6, दीपावली के दूसरे दिन भाई दूज यानी भाई दूज मनाने से बहन और भाई की रक्षा हो सकती है? दर्शकों, दिवाली के 2 दिन बाद भाई दूज मनाया जाता है। इस दौरान बहन अपने भाई के माथे पर कुमकुम का तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है, जो कि रक्षाबंधन की तरह ही है, जिसका उद्देश्य यही है कि भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। लेकिन अनेक खबरें सुनने व देखने को मिलती हैं कि भाई दूज के दौरान ही भाई बहन की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो जाती है, यानी भाई दूज मनाने से हमारी रक्षा नहीं होती, बल्कि हमारा वास्तव में रक्षक कबीर परमात्मा ही है, जिसका प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में है, जिसमें लिखा है कि वेद ज्ञान दाता काल ब्रह्म से दूसरा कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर श्रेष्ठ आत्माओं को भक्ति धन की प्राप्ति के लिए ज्ञान देता है। वह अविनाशी सबका रक्षक है, सहनशील है, सर्व तत्व ज्ञानहीनों को अध्यात्म ज्ञान गोष्ठी की स्पृधा रूपी वाक युद्ध में तिरस्कृत करता है, यानी अज्ञानियों को पराजित कर देता है। दर्शकों, वेदों में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि किसी की मौत भी हो गई हो तो परमात्मा उसे पुनः जीवित करके उसकी आयु भी बढ़ा देता है। देखिए ऋग्वेद में प्रमाण। जैसे हम भगवान विष्णु को समर्थ मानते थे, उन्हीं के अवतार श्री राम और श्री कृष्ण थे, जैसे भक्त प्रसन्न करते हैं कई बार हैं कि जैसे श्री कृष्ण जी ने मोर ध्वज राजा के पुत्र तामर ध्वज को आरे से चिराकर जीवित कर दिया था, तो वो समर्थ शक्ति मान लिए। इसी एक एग्जाम्पल तय परमात्मा कबीर जी ने कहा, धर्मदास जी ने यह प्रश्न किया था, तो परमेश्वर ने कहा कबीर देव जी ने धर्मदास जी से कि श्री कृष्ण जी ने अपना सगा भांजा क्यों नहीं जीवित किया अभिमन्यु, जब वो पहले दिन महाभारत के युद्ध में मारा गया था। उसका सगा भांजा था, सुभद्रा का पुत्र था, श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सका जिसकी आवश्यकता थी जीवित करने की, और वहां जा पंगा लिया, मोर ध्वज का बेटा कटवा के जीवित कर दिया। धर्मदास एकदम सतब्ध हो गया कि भगवान सच्ची बात है, उनका तो कुलनाश हो रहा था और वहां भगवान उसको जीवित नहीं कर सके। तो प्रश्न किया, क्या कारण है प्रभु? तब परमेश्वर ने बताया कि तामर ध्वज की आयु शेष थी और इतनी सिद्धि इनमें है कि उसको आपे कटवाया, आपे जीवित कर दिया। लेकिन अभिमन्यु की आयु शेष नहीं थी, श्री कृष्ण कुछ नहीं कर सके और ना कर सकते। तब धर्मदास ने कहा कि भगवान सचमुच वहां तो अति आवश्यकता थी उसके जीवित करने की, सूरवीर योद्धा था और साथ में जरूर थी, युद्ध हो रहा था, पांडवों का कुलनाश हो रहा था। तो इस प्रकार परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि तुम कौन राम का जपते जापम, ताते कटे ना ये तीनु तापम। अब प्रसंग चल रहा है कि जैसे हम इस परमेश्वर की शरण में आएंगे तो ये हमारी आयु भी बढ़ाओगा, ये समर्थ शक्ति है, परमेश्वर है, ये पूर्ण परमात्मा है। अब वेद गवाही देते हैं कि भगवान उम्र बढ़ा देता है, लेकिन वो है कौन परमात्मा? वो पूर्ण ब्रह्म है, कबीर देव है। आपको थोड़ा सा यहां दिखाते हैं कि समृद्ध शक्ति, देखो सुनी सुनाई बातें तो हमने बहुत सुन रखी है, दंत कथाएं सुन रखी है, जब तक आप आंखों नहीं देख लोगे प्रमाणों को आपको विश्वास नहीं हो सकता, क्योंकि हमने वेदों की आड़ में जो भी वक्ता होते थे पुराणों का, वेदों का और गीता जी का रेफरेंस देकर सत्संग किया करते थे, और हम ये सोचा करते थे कि संस्कृत के विद्वान हैं, संस्कृत साथ बोल रहे हैं, इन्होंने सदग्रंथों को सही जाना होगा, और ये कहा करते थे कि जो प्रारब्ध है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जिसकी आयु जहां समाप्त होगी वो तो होगी ही होगी, इसका कोई विकल्प नहीं।
और परमात्मा की महिमा गुणों में लिखा है कि परमात्मा हमारी आयु बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में आने वाले संकटों का नाश कर सकता है। वो कर कैसे सकता है? जो उसकी साधना सत्य हो, शास्त्र अनुकूल हो, तब उनकी उनको सब राहत मिलती है। परमात्मा हमारी आयु भी बढ़ा सकते हैं, आपको वेदों में दिखाते हैं, क्योंकि शिक्षा का हमें एक लाभ है तो यही है कि हम सदग्रंथों को स्वयं समझ सकते हैं। और जब तक हम नहीं समझेंगे, कोई भी हमें बंडा दे, कुछ भी कह दे, हम उससे की मान लेंगे, जिस कारण से आज तक हम यह भटक रहे हैं और इन नकली संतों के पीछे लटक रहे हैं। ये देखिएगा, ये है ऋग्वेद, आपको दिखाते हैं ये कहां से प्रकाशित है। सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से, उनके फोन और फैक्स नंबर ये है। ये मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 10, सूक्त 161, 161 और मंत्र नंबर 2 में, यदि रोगी नष्ट जीवन शक्ति वाला हो, यानी जिसका जीवन नष्ट होने वाला हो गया है, यदि अथवा सीमा से परे चला गया है, यदि मृत्यु के समीप पहुंच गया ही है, तो भी उस रोगी को, ये देखिए ना, दानंद के भक्ता ने मैं वैद लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि दानंद ये मानता था भगवान कुछ नहीं कर सकता, ना रोग काट सकता, ना उम्र बढ़ा सकता, इसलिए यहां लिख दिया मैं वैद। कष्ट प्रद रोग के पंजे से छुड़वा लाता हूं और 100 सर्द ऋतुओं तक जीने, यानी 100 वर्ष तक के लिए उस इसको बलयुक्त करता हूं। अब यहां जो इन्होंने जानबूझ के बकवाद करी, इस मूल पाठ में इसमें वेद का जिक्र नहीं, क्योंकि वेद कोई मेडिसिन की बुक नहीं है, ये भगवान की जानकारी महिमा है इसके अंदर। अब यहां तो इन्हें लिख दिया, फिर परमात्मा कहते हैं चोर चोरावे तुम्बड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना है। लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा ने इनकी आंखें बंद कर ही दी, जहां इन्होंने सच्चाई लिख दी, ना चाहते हुए भी लिख दी, भगवान ने लिखवा दिए तो के लिखे थे, ये देखना। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 80 और मंत्र नंबर इसका भी 2। हे परमात्मन, आप उपासकों की आयु के बढ़ाने वाले हैं, या भूल गए वैद लिखना। देखिए आप परमात्मा के चोर चुरावे तुमड़ी गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। दर्शकों, इससे स्पष्ट होता है कि हमारा वास्तविक रक्षक कबीर परमात्मा है। दर्शकों, आपने आज के इस एपिसोड में देखा कि दीपावली, गोवर्धन पूजा व भाई दौज मनाना शास्त्रों के विरुद्ध मनमाना आचरण है, तथा इन त्योहारों से जुड़ी भगवान रामचंद्र व माता सीता तथा श्री कृष्ण से जुड़ी कुछ सत्य घटना से भी आप अवगत हुए, जिससे स्पष्ट हुआ कि इन त्योहारों को मनाने से न तो सुख समृद्धि मिल सकती और न ही हमारी रक्षा हो सकती, बल्कि हमारा असली रक्षक, पापनाशक, कर्म बंधनों से छुड़वाने वाला वह शांतिदायक कबीर परमात्मा है, जो हमें सुख समृद्धि के साथ साथ मोक्ष भी प्रदान कर सकता है। जिसकी यथार्थ भक्ति जानने के लिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल अवश्य देखें। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। की राह पर चलना कठिन होता है, लेकिन एक सच्चे संत के मार्गदर्शन में यह यात्रा न केवल सरल हो जाती है, बल्कि जीवन को एक नया अर्थ भी दे देती है। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत कर रहे हैं जो दर्शाती है कि कैसे एक सच्चे संत की शरण में आने से जीवन में परिवर्तन आ सकता है। यह कहानी है उत्तर
प्रदेश के जालौन निवासी श्री कालका प्रसाद जी की, जो पहले कई बुरी आदतों और अंधविश्वासों से ग्रस्त थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, इनकी आंखें खुल गईं। इन्हें समझ आया कि वे कितने गलत रास्ते पर चल रहे थे। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं कालका प्रसाद जी के जीवन की यह प्रेरणादायक कहानी, उनकी अपनी जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? कालका प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? धमरेही गांव, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ये छोटा पूरा कथा और सुनना या भागवत सुनना, और शंकर जी जो बाराबंकी जिले में लोधेश्वर हैं उनके ऊपर जल चढ़ाना, कई बार दसों बार गए। जब आप पहले पूजा कर ही रहे थे तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? हमें एक्सीडेंट होने पर एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली, उसका ज्ञान समझ के आए कि ये तो सब नाशवान है, परमात्मा तो असली ये है संत रामपाल जी महाराज। तो उस वजह से हम जो है यहाँ बरवाला आए नाम दीक्षा लेने। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? हमने टीवी के माध्यम से नाम दीक्षा ली वहाँ, और जब परमात्मा ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं बहुत नशेड़ी था, तो उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को किसी भी प्रकार से हाथ नहीं लगाया। क्या आप पहले नशा करते थे? हाँ, काफ़ी। हम 5-5 बंडल पी लेते और 2-2, 3-3 पुड़िया तंबाकू भी खा लेते थे, और साथ में लेके भी आए थे, लेकिन हम बाहर छिपा दिया था। जब परमात्मा ने दया करी तो उस दिन से संत रामपाल जी महाराज से ने जब सर पे हाथ रखा, उस दिन से इतनी दृढ़ता हो गई, इतना संकल्प ले लिया कि हमसे नशा किसी भी प्रकार, कई बार छोड़ा लेकिन छूट नहीं रहा था। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने दया की, उस दिन से आज दिन तक हमने नशे को हाथ नहीं लगाया। सर, चर्चा का विषय बना हुआ है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है वो नशा छोड़ देता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नशा छोड़ना चाहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा कैसे छोड़ दिया? उन्होंने बताया कि मंदिर तो असली ये है और इसमें सारे देवता वास कर रहे, इसको गंदा करना अच्छी चीज़ नहीं है, और जो हम खुद देवता बनाते हैं अपने हाथों से उन पे हम नहीं थूक सकते। तो इस तरह से हमें दृढ़ता लगी, विश्वास हो गया कि घर इस गठन को जो है इसमें 5-5 देवता बैठे हैं, इसके अंदर गंदी चीज़ जाना नहीं है। हमें मालिक ने, संत रामपाल जी महाराज ने ये बताया, साथ में अमृत जल दिया और परमात्मा ने प्रसाद भी दिया। उसको प्रसाद खाने से हमारे अंदर दृढ़ता आती रही। सर, आपको कैसा लगता है कि आपके जो पुराने साथी जो हैं वो आपको देख करके कैसा रिएक्ट करते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि आप पहले नशा करते थे और अब नशा नहीं करते हैं? हम करीब 20 सालों से नशा कर रहा था, लेकिन उस दिन से नशा बंद कर दिया। और जब साथी लोग नशे के लिए कहते हैं तो परमात्मा ने जो ज्ञान बताया उनको भी बताते हैं कि धरी कहूँ ढूंढे कहूँ, वस्तु ना आवे हाथ, और वस्तु हाथ तभी आवे जब भेदी ले ले साथ। इस शरीर का भेदी परमात्मा है जिसने 9 महीने में माँ के गर्भ में गढ़ के तैयार किया, और उन्होंने 5-5 देवता बताए हैं, तो हमें अपने ही शरीर का ज्ञान नहीं था, इसलिए हम अपने से परे देवताओं की पूजा करते थे। लेकिन जिस दिन से ये ज्ञान हो गया उस दिन से हमने नशा भी लगाया, और कई लोगों को कहने पर उन्होंने हमारे सामने पुड़िया फाड़ के फेंक दी, उन्होंने भी नशा का परित्याग किया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा ली और आपने नशा छोड़ दिया, इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपको क्या लाभ मिले? हमारा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था, जो हमारी बाइक करीब 20 मीटर दूर गिरी, 10 टायरा ट्रिक था, उसके हम नीचे आ गए, किसी ने बच के हमको उससे, जब हम 1 मीटर घसट गए, हमारे 3 कपड़े पहने थे सर्दी में, वो सारे कपड़े नीचे फट गए घसट से, और परमात्मा ने हमें बाल बाल बचा लिया, संत रामपाल जी महाराज ने बाल बाल बचा लिया। और जब हम बाहर आए तो किसी साथी ने कहा कि हम तुम्हारे घर पर फ़ोन कर दें, तो हमने कहा नहीं, हमें फ़ोन ना करो, घर के सारे लोग घबरा जाएंगे, हमें हॉस्पिटल ले चलो, थोड़ा हमें इलाज दिलवा दो। इलाज दिलवा के आए, हमारी गाड़ी पड़ी थी ऐसे ही,
उसको उठा के खड़ी की और गाड़ी इस पैर में इधर ज़्यादा चोट थी, किक नहीं लग रही थी, परमात्मा का सुमरण किया, संत रामपाल जी महाराज का सुमरण किया। सुमरण करने से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, उस गाड़ी पर बैठ के हम 25 किलोमीटर चला के आए। इसके बाद जब हम गाड़ी से उतरे तो घर की दहरी नहीं नाक पाए, इतना भयंकर दर्द हो गया, चारपाई पे लेट गए और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो पर हमने संत रामपाल महाराज जी से प्रार्थना की कि दास को बाल बाल बचा लिया, अब तो ये दर्द से तड़प के मर जाएगा, दया करें मालिक। परमात्मा ने दया कर दी, बिना इलाज बिना दवा के हमारा दर्द शांत हो गया और हमारी भक्तमती को भी लाभ हुआ, जिन्होंने ग्वालियर इलाज लेने के बाद फिर इनका जो है एकदम से लेटरिंग और गैस इतनी बढ़ गई कि इन्होंने जो है 10 दिन खाना नहीं खाया। जब खाना नहीं खाया तो बिना खाना अंग्रेजी दवाई नहीं खा पाते, दवाई भी बंद हो गई, 10 दिन मरने के पोजीशन में आ गई, ज़मीन पे लिटा दिया और भगत देखने आने लगे, ज़्यादा तकलीफ देख कर। तो हमारे यहाँ 10 भगत थे, उन्होंने सबने मिलकर परमात्मा का मंगलाचरण किया। मंगलाचरण करने से उनके जैसे बीमार थी नहीं, ठीक हो गई और हम उनको कार भी कर लिया था ले जाने के लिए दोबारा, फिर वह उनको लेके जिला अस्पताल गए तो वहाँ उनका कोई इलाज नहीं दिया, डॉक्टर ने बोले जाओ घर लेके ठीक है। लेकिन उनका जो पैरालाइज से जो नस जाम हो गई थी उससे वाणी नहीं निकल पाती थी, आज परमात्मा ने दया कर दी, संत रामपाल महाराज जी ने दया कर दी। और हमारे चाचा श्री 200 ब्लड प्रेशर हाई हुआ था उसमें वो चले गए थे, इनका 240 हुआ था। तो हमने उन भक्तमती ने स्वयं बोलकर अपने दमान से कह दिया था, मौके पर नहीं थे, कि हमें चरणामृत परमात्मा का अमृत जल दे दो, दे दिया। तो वो 24 घंटा डटी रही, फिर सवेरे इलाज लेने गए जिला अस्पताल, उन्होंने रेफर कर दिया ग्वालियर के लिए, ग्वालियर में इलाज चला। इलाज चलने के बावजूद भी उनको दवा खानी बंद हो गई और परेशानी बढ़ गई, तो मंगलाचरण किया और परमात्मा की दया से वो आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज वो चल फिर रही, बोलने भी लगी हैं और खाना पीना थोड़ा बहुत हल्का पूरा काम भी कर रही हैं। जब से आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं आपको काफ़ी लाभ मिले हैं, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी पर हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आए हुए हैं, जिन्होंने ऐसा ज्ञान दर्शाया है, वेद आज से नहीं, वेद बहुत पुराने से पढ़े जा रहे हैं और उन वेदों में पढ़ने वालों ने कुछ भी नहीं समझ पाया। जैसे गीता में लिखा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले वो मुझे नहीं भगते। तो परमात्मा का सत्संग सुने, जो उन्हें उंगली धर धर के बताया है वो सत्य है, आज दिन तक उनको पढ़ने वाले गीता के सही अर्थ नहीं कर सके। और जो परमात्मा है, सारे वेदों का रचयिता है, सारी जानता है, उन्होंने उंगली धर धर के बताया फिर भी हम विश्वास नहीं कर पा रहे, तो हम प्रार्थना करेंगे कि आप वेदों से और जो हमारे YouTube पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है और आप ऐप डाउनलोड करके सत्संग सुने और वेदों से मिलाएं कि ये सच्चा ज्ञान परमात्मा दे रहे हैं और आप शरण में आए, आपके भी सारे कष्ट परमात्मा दूर करेंगे संत रामपाल जी महाराज। धन्यवाद। सत्साई
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।